के प्यार में सीरियल में अभी तक आपने ये देखा कि ईशान स्टेज पर चिन्मय को सम्मान देगा, चिन्मय एक डांस परफॉर्मेंस करेगा और फिर अपने जिंदगी का कुछ अहम हिस्सा और मुश्किलों के बारे में सभी को बताएगा। वो बताएगा कि लड़के समाज की वजह से क्लासिकल डांसर बनने का सपना नहीं देख सकते, कहेगा कि प्यार से, मार से, हर तरह से जबरदस्ती की गई कि वो अपनी कला से दूर हो जाए। स्टेज पर चिन्मय सभी की तारीफ में कहेगा कि वो ही है जिसने उसका सपना पूरा करने में मदद की है। अक्का साहेब और यशवंत राव भोसले दंग रह जाएंगे, साथ ही रीवा भी सुन रह जाएंगी। चिन्मय सबके सामने ये मानेगा कि सावी ने ही उसका हौसला बढ़ाया है और वो ऐसे ही सबका हौसला बढ़ाती रहे। सभी स्टेज पर जाके पेरेंट्स को भी कुछ सलाह देगी। रीवा ये सब देखकर ईशान से लड़ झगड़ेगी कि मेडिकल विंग का सारा काम उसने संभाला है और ईशान ने फैसले अकेले ही ले लिए। रीवा ईशान को बुरा बुरा सुनाकर चली जाएगी, जहां पीठ पीछे कुछ लोग यशवंत राव का मजाक उड़ाएंगे कि कैसा डांसर बेटा पैदा किया है, तो वहीं अक्का साहब चिन्मय से गले लगकर खुश होंगे। ये सब के बाद यशवंत राव वहां से गुस्से में चले जाएंगे। अक्का साहब चिन्मय को ये कहकर शांत करेंगी कि वो सिर्फ अपनी खुशियों पर ध्यान दे, बाकी राव साहब एक ना एक दिन उनके पास वापस आ ही जाएंगे। चिन्मय बताएगा कि उसे लगा था कि घर वालों को इसका डांस देख कर शर्म आएगी, जबकि अक्का साहब उसकी बहुत तारीफ करेगी। इसके बाद खुश होकर चिन्मय वादा करेगा कि अब वो घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। चिन्मय अक्का साहेब को ये बताएगा कि सब कुछ सावी की वजह से हुआ है, वही अस्मिता सावी को घर की सही बहू बताएगी। ये अब देखकर रीवा का मुंह बिगड़ जाएगा। ईशान के समझाने के बाद भी यशवंत उसे डांटेगा। ईशान बताएगा कि जो कुछ भी किया है वो अक्का साहेब और उनकी खुशी के लिए किया है। वहीं राव साहेब सावी की भी बहुत बुराई करेंगे और बोलेंगे कि वो एक दिए गए ऐसी चोट देगी कि ईशान झेल नहीं पाएगा। ये सब समझकर चिन्मय ईशान को राव साहेब से पंगा लेने के लिए मना करेगा। वहीं दूसरी ओर सभी मन ही मन फैसला लेगी कि वो दिल की बात बताएगी। ईशान कॉलेज जाएगा तो रूम में अंधेरा होगा, सावी वहीं जाकर ईशान को प्रपोज करेगी। इसी सब में ये दिखाया गया है कि ईशान सावी को प्यार का इजहार करने पर ही थप्पड़ मार देगा।